हरिशंकर परसाई की कहानी भोला राम का जीव। ऐसा कभी नहीं हुआ था। धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलॉट करते आ रहे थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोंछ, बार बार थूक से पन्ने पलट रजिस्टर पर रजिस्टर देख रहे थे। गलती पकड़ में ही नहीं आ रही थी। आखिर उन्होंने खींच कर रजिस्टर इतने जोर से बंद किया कि मक्खी चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए वे बोले, महाराज रिकॉर्ड सब ठीक है। भोला राम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर यहां अभी तक नहीं पहुंचा। धर्मराज ने पूछा, और वह दूत कहां है? महाराज वह भी लापता है। इसी समय द्वार खुले और एक यमदूत बदहवास वहां आया। उसका मौलिक कुरूप चेहरा परिश्रम परेशानी और भय के कारण और भी विकृत हो गया था। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे तू कहां रहा इतने दिन? भोला राम का जीवन कहां है? यमदूत हाथ जोड़कर बोला, दया निदान मैं कैसे बतलाऊं कि क्या हो गया? आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर भोला राम का जीव मुझे चकमा दे गया। 5 दिन पहले जब जीव ने भोला राम का देह त्यागा, तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा आरंभ की। नगर के बाहर जोही में उसे लेकर एक तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, त्यों ही वह मेरी चंगुल से छूटकर न जाने कहां गायब हो गया। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर उसका कहीं पता नहीं चला। धर्मराज क्रोध से बोला, मूर्ख जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया? दूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चला है। लोग दोस्तों को कुछ चीज भेजते हैं और उसे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। होजरी के पार्सलों के मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं, मालगाड़ी के डब्बे रास्ते में कट जाते हैं। एक बात और हो रही है, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर बंद कर देते हैं। कहीं भोला राम के जीव को भी तो किसी विरोधी ने मरने के बाद खराबी के लिए तो नहीं उड़ा दिया? धर्मराज ने व्यंग से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारे भी रिटायर होने की उम्र आ गई, भला भोला राम जैसे नगण्य दीन आदमी से किसी को क्या लेना देना। इसी समय कहीं से घूमते घामते नारद मुनि यहाँ आ गए। धर्मराज को गुमसुम बैठे देख बोले, क्यों धर्मराज कैसे चिंतित बैठे हैं? क्या नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई? धर्मराज ने कहा, वह समस्या तो कब की हल हो गई। नरक में पिछले सालों में बड़े गुणी कारीगर आ गए हैं, कई इमारतों के ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया। ओवरसियर हैं जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा जो कभी काम पर गए ही नहीं। इन्होंने बहुत जल्दी नरक में कई इमारतें तान दी हैं। वो समस्या तो हल हो गई, पर एक बड़ी विकट उलझन आ गई है। भोला राम नाम के एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई। उसके जीव को यह दूत यहां ला रहा था कि जीव इसी रास्ते में चकमा देकर भाग गया। इसने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर वह कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। नारद ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था? हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो। चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होती तो टैक्स होता।
भूख मरा था। नारद बोले, मामला बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, मुझे उसका नाम तो बताओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया। भोला राम नाम था उसका। जबलपुर शहर में दमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक डेढ़ कमरे टूटे फूटे मकान में वह परिवार समेत रहता था। उसकी एक स्त्री थी, दो लड़के और एक लड़की। उम्र लगभग 60 साल। सरकारी नौकर था। 5 साल पहले रिटायर हो गया था। मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया, इसलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। इतने में बोलाराम ने संसार ही छोड़ दिया। आज 5वां दिन है। बहुत संभव है कि अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक है तो उसने भोलाराम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा। इसलिए आपको परिवार की तलाश में काफी घूमना पड़ेगा। माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन से ही नारद भोलाराम का मकान पहचान गए। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज लगाई, नारायण नारायण। लड़की ने देखकर कहा, आगे जाओ महाराज। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोलाराम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। अपनी माँ को जरा बाहर भेजो बेटी। भोलाराम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माता, भोलाराम को क्या बीमारी थी, क्या बताऊं? गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक दरख्वास्त देते थे, पर वहां से या तो जवाब आता ही नहीं था, और आता तो यही कि तुम्हारी पेंशन के मामले में विचार हो रहा है। इन 5 सालों में सब गहने बेचकर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा था। चिंता में घुलते घुलते और भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। नारद ने कहा, क्या करोगी माँ, उनकी इतनी ही उम्र थी? ऐसा तो मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी। 50-60 रुपये महीना पेंशन मिलती तो कुछ और काम कहीं करके गुजारा हो जाता, पर क्या करें, 5 साल नौकरी से बैठे हो गए और अभी तक एक कौड़ी नहीं मिली। दुख की कथा सुनने की फुर्सत नारद को थी नहीं। वे अपने मुद्दे पर आए, माँ यह तो बताओ कि यहाँ किसी से उनका विशेष प्रेम था जिसमें उनका जी लगा हो? पत्नी बोली, लगाव तो महाराज बाल बच्चों से ही होता है। नहीं, परिवार के बाहर भी हो सकता है। मेरा मतलब है किसी स्त्री। स्त्री ने घुर्रा कर नारद की ओर देखा, बोली, अब कुछ मत बको महाराज, तुम साधु हो, उच्च के नहीं हो। जिंदगी भर उन्होंने किसी स्त्री की ओर आंख उठाकर नहीं देखा। नारद हंसकर बोले, हाँ, तुम्हारा यह सोचना ठीक ही है, यही हर अच्छी गृहस्थी का आधार है। अच्छा माता, मैं चला। स्त्री ने कहा, महाराज आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए, इन बच्चों का पेट कुछ दिन भर जाए। नारद को दया आ गई थी। वे कहने लगे, साधुओं की बात कौन मानता है, मेरा यहाँ कोई मठ तो है नहीं, फिर भी मैं सरकारी दफ्तर जाऊंगा और कोशिश करूंगा। यहां से चलकर नारद सरकारी दफ्तर पहुंचे। वहां पहले ही से कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने भोलाराम के केस के बारे में बात की। उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बोला, भोलाराम ने दरख्वास्तें तो भेजी थीं, पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होंगी। नारद ने कहा, भाई यह बहुत से पेपर वेट तो रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रख दिया? बाबू हंसा, आप साधु है, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती, दरख्वास्तें पेपर वेट से नहीं दबती। खैर, आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिलिए। नारद उस बाबू के पास गए, उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास, चौथे ने पांचवे के पास,
जब नारद 25-30 बाबुओं और अफसरों के पास घूम आए तब एक चपरासी ने कहा, महाराज आप क्यों इस झंझट में पड़ गए? अगर आप साल भर भी यहां चक्कर लगाते रहे तो भी काम नहीं होगा। आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर दिया तो अभी काम हो जाएगा। नारद बड़े साहब के कमरे में पहुंचे। बाहर चपरासी ऊँघ रहा था, इसलिए उन्हें किसी ने छेड़ा नहीं। बिना विजिटिंग कार्ड के आया देख साहब बड़े नाराज हुए, बोले, इसे कोई मंदिर वंदिर समझ लिया है क्या? धड़धड़ाते चले आए। चिट्ठियों ने भेजी? नारद ने कहा, कैसे भेजता? चपरासी सो रहा है, क्या काम है? साहब ने रोब से पूछा। नारद ने भोलाराम का पेंशन केस बतलाया। साहब बोले, आप हैं बैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते। असल में भोलाराम ने गलती की। भाई ये भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है। आप भोलाराम के आत्मीय मालूम होते हैं। भोलाराम की दरख्वास्तें उड़ रही हैं, उन पर वजन रखिए। नारद ने सोचा कि फिर यहां वजन की समस्या खड़ी हो गई। साहब बोले, भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस बीसों दफ्तरों में जाता है, देर लगी जाती है, बीसों बार एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है तब पक्की होती है। जितनी पेंशन मिलती है उतनी ही स्टेशनरी लग जाती है। हाँ जल्दी भी हो सकती है मगर। साहब रुके। नारद ने कहा, मगर क्या? साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मगर वजन चाहिए। आप समझे नहीं, जैसे आपकी ये सुंदर वीणा है इसका भी वजन बोलाराम की दरख्वास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, यह मैं उसे दे दूंगा। साधु संतों की वीणा से तो और अच्छे स्वर निकलते हैं। नारद अपनी वीणा छिनते देख जरा घबराए, पर फिर संभलकर उन्होंने वीणा को टेबल पर रखकर कहा, यह लीजिए, अब जरा जल्दी उसकी पेंशन ऑर्डर निकाल दीजिए। साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दे दी, वीणा को एक कोने में रखा और घंटी बजाई। चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने हुक्म दिया, बड़े बाबू से भोलाराम के केस की फाइल लाओ। थोड़ी देर बाद चपरासी भोलाराम की 100-150 दरख्वास्तों से भरी फाइल लेकर आया। उसमें पेंशन के कागजात भी थे। साहब ने फाइल पर नाम देखा और निश्चित करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया साधु जी आपने? नारद समझे कि साहब कुछ ऊंचा सुनते हैं, इसलिए जोर से बोले, भोलाराम। सहसा फाइल में से आवाज आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है? क्या पेंशन का ऑर्डर आ गया? नारद चौंके, पर दूसरे ही क्षण बाद समझ गए, बोले, भोलाराम तुम क्या भोलाराम के जीव हो? हाँ, आवाज आई। नारद ने कहा, मैं नारद हूं, तुम्हें लेने आया हूं, चलो स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आवाज आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों पर अटका हूं, यही मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरख्वास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। तो दोस्तों, ये भोलाराम का जीव कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा।